नमस्कार, फरीदाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौहान। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। जिला सतर्कता निगरानी कमेटी की बैठक लेने पहुंचे कृष्णपाल गुर्जर ने जिले के सभी आला अधिकारियों को विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। वहीं इस मीटिंग में कृष्णपाल गुर्जर के सामने मार्केटिंग कमेटी के एक्शन ने जीएसटी का हवाला देते हुए विकास कार्य में जीएसटी को ही बाधा बता दिया। दरअसल मार्केटिंग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाने वाली सड़कों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक्शन से सवाल पूछा था कि बोर्ड की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें क्यों नहीं बनाई जा रही, जिसके जवाब में एक्शन ने कहा कि जीएसटी की वजह से ठेकेदार टेंडर नहीं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वह सड़कें नहीं बनवा पाए। वहीं एक्शन का जवाब सुनकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी चुप हो गए। देखिए, आज दिशा की जो बैठक होती है वो माननीय केंद्रीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, तो सभी स्कीमों का राज्य स्तर की और केंद्रीय स्तर की स्कीमों का सभी का आज रिव्यू हुआ है। और जहाँ जहाँ पे काम धीरे था, जहाँ पे कुछ और दिक्कतें थी इंटर डिपार्टमेंट, तो उन सब पे चर्चा हुई है। और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने सभी अधिकारियों को प्रोत्साहित किया है कि काम जन कल्याण में इनको मोमेंटम दें और जल्दी जल्दी इन काम को। देखिए, रूटीन की बैठक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कमेटी की मीटिंग आज हुई है। हर 3 महीने में एक बार मीटिंग होती है। जो विकास के काम चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, उनका क्या स्टेटस है, उसकी गति क्या है, उन सबकी जानकारी देना, उनको गति देना। इसके साथ साथ अभी बहुत जल्दी बरसात का मौसम आने वाला है, किसानों की बाढ़ से नुकसान ना हो उसके बारे में, बरसाती पानी की ज़्यादा खड़ा ना हो उसके बारे में, बरसात के मौसम में फॉगिंग की व्यवस्था हो उसके बारे में, और पानी निकासी के बारे में सब बड़ा विस्तार से चर्चा हुई है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएँ हैं उनका क्या स्टेटस है, कहाँ तक आगे बढ़ी है, उन सब पर आज बातचीत हुई है, उनकी स्टेटस रिपोर्ट ली गई है। और मथुरा रोड जो NH2 है, इस पर किस तरह बहुत जल्दी पूरी यहाँ से लेकर बल्लभगढ़ तक लाइटिंग की व्यवस्था हो, उस पर चर्चा की है। अगले 5 महीने में यहाँ पर लाइटिंग का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जो बचे हुए पुल हैं वो बहुत जल्दी शुरू हो जाए, जुलाई एंड तक या मिड अगस्त तक, उसका भी एक टारगेट तय किया गया है, सारे पुल शुरू हो जाए। और साथ में मथुरा रोड की सुंदरता, NH2 की सुंदरता कैसे बढ़े, आज DMRC के अधिकारियों को बुलाया गया था कि साथ में जो मिट्टी है उसको, जो गंदगी है उसको साफ़ करा जाए, उस मिट्टी को उठाया जाए और उसको बहुत सुंदर किया जाए जो अभी तक है।